वहीं केरल की बात की जाए तो केरल के वायनाड में भी लैंडस्लाइड की जो घटना सामने आई उसमें मौत का आंकड़ा और बढ़ गया है। लैंडस्लाइड में मरने वालों की संख्या बढ़कर 210 हो गई है। तो हादसे में 300 से ज्यादा लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, जिनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया है। मौके पर एनडीआरएफ और सेना की टीम 300 लोगों की तलाश में जुटी हुई है। प्रशासन का ये कहना है कि इन 300 लोगों को ढूंढना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि इनमें से किसी का कोई भी सुराग नहीं मिल रहा है। जाहिर सी बात है, नेटवर्क वहां पर है नहीं, तो फोन से भी संपर्क नहीं हो पा रहा होगा। 10,000 लोगों को 91 रिलीफ कैंप में पहुंचाया गया है और ये 10,000 वही लोग हैं जिनका रेस्क्यू किया गया। 300 से ज्यादा लोग चूंकि अभी भी लापता हैं, इसलिए उनकी तलाश लगातार टीमों की तरफ से की जा रही है। रेस्क्यू टीम ने पूरी ताकत उनकी तलाश में झोंक दी है। हाईटेक मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है। इस वक्त ग्राउंड पर हालात कैसे हैं, किस तरह से रेस्क्यू को आगे बढ़ाया जा रहा है, उस पर आपको हमारे सहयोगी टी राघवन की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाते हैं। वायनाड का ये भीषण लैंडस्लाइड हर घंटे शवों को उगलता जा रहा है। जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, इस मलबे में जिंदगी को ढूंढने की उम्मीद भी कमजोर पड़ती जा रही है। आप देखिए, अब मुख्य फोकस ये है कि जो लोग लापता हुए हैं, क्या इन मलबों के ढेर में धस गए हैं, उन्हें ढूंढने की, निकालने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। नदी के दोनों किनारों पर ऐसे बड़े बड़े पत्थर, कटे हुए पेड़ और इतने भारी भरकम ये जो पेड़ हैं यहाँ पर आकर गिरे हैं, इनको हटाकर इसमें उन जिंदगियों को ढूंढना वाकई में एक बहुत बड़ी चुनौती का काम है। अब तक इन इलाकों से जो प्रभावित इलाके हैं, चाहे वो अट्टमला हो, पारमला हो, मुंडक्कई हो, चूरलमला हो, इन इलाकों से 10,000 लोगों को यहाँ से विस्थापित कर दिया गया है। इसके अलावा तकरीबन ये बताया जा रहा है कि 300 से ज़्यादा लोग जो हैं वो अभी भी मिसिंग हैं। 1500 से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर सेफली इवैक्यूएट किया गया था। उसके बाद भी ऐसे कई सारे लोग हैं जिनका अभी तक कोई नामो निशान नहीं मिल पा रहा, और अब जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, जो रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में जो एजेंसियां लगी हुई हैं उनको ऐसा लगता है कि अब उनकी ज़िंदगी बचना मुश्किल है। लेकिन इस पूरे जो आप नदी यहाँ पर देख रहे हैं, इरविनपुरा मुंडक्कई जो रिवर है, उस रिवर के दोनों साइड अब जो है तकरीबन 40 टीमें यहाँ पर लगाई गई है। 6 जोन में इसे पूरा बांटा गया है और एक एक जोन में पुलिस स्टेशन के लिमिट्स में आने वाले एक एक जोन को बांटकर यहाँ पर अब उन मिसिंग लोगों को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। लगातार जो रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन से जुड़े हुए अधिकारी हैं वो कहते हैं कि अब जो सर्वाइवर्स हैं, यानी जो जीवित व्यक्ति हैं, उनको लगभग निकाल लिया गया है। अब उन लोगों की तलाश है जो इस भयावह त्रासदी में ज़मीन में जलजले के साथ, अपने मकानों के साथ यहाँ पर बहकर आ गए। क्योंकि जो अपस्ट्रीम है, अगर हम आपको वो चाय के बगानों के पीछे जो पहाड़ दिखाएं जहाँ पर लैंडस्लाइड पहली बार घटा था, वहाँ से अगर हम देखें तो जो भी ऊपर के मकान हैं वहाँ पर लगातार ये बेली ब्रिज बनने के बाद वहाँ पर हैवी मशीन्स पहुँच गई थी और उसके बाद लगातार जो है वहाँ पर कोशिश की जा रही थी कि कैसे भी लोगों को वहाँ पर ढूंढा जाए। लेकिन अभी तक जो सूचनाएँ वहाँ पर मिल रही है उससे ये पता चलता है कि उन इलाकों में लोगों के बॉडीज़ जो है वो नहीं मिल पाई है। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जितनी भी लोग थे वहाँ पर इस पानी के प्रवाह में बहकर नीचे की तरफ आ गए, इसी वजह से अब नदी के दोनों किनारों के साथ साथ नदी के अंदर भी गोताखोरों की मदद से उन मिसिंग लोगों को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। कैमरामैन किरण के साथ टी राघवन, इंडिया टीवी, चूरलमला, वायनाड।